कैसे न्यूज़ इंडिया में और मैं हूँ आपके साथ वंदना। आई रुक करते आज के सबसे बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ में देश में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं। अग्निपथ स्कीम आम फॉरेंस के लिए एक देशव्यापी शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, जमीन, समुद्र या हवा समेत विभिन्न जगहों पर होगी। देश में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों तक पहुंच गई है। सबसे दुखद बात यह है कि हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। तो आइए जानते हैं इस मामले में कि कहां पर क्या क्या विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियां जला दी। बिहार में ट्रेन रोकी गई। छपरा और मुंगेर में सड़क पर आगजनी के बाद जमकर प्रदर्शन। यूपी के बुलंदशहर, उन्नाव और गाजीपुर में प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे हरियाणा गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बैठे छात्र। ट्रैफिक जाम। रेवाड़ी में पुलिस के बैरिकेड तोड़े। पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा। इन लोगों का कहना है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। बात करते हैं आत्महत्या किए लड़के की, तो 2 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था। एक युवक ने आज रोहतक के पीजी हॉस्टल के रूम में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक का नाम सचिन था, जो जींद जिले के लीजवाना गांव का रहने वाला है। सेना भर्ती की नई पॉलिसी अग्निपथ लाने से परेशान था। परिजन ने बताया कि सेना की भर्ती कैंसिल होने और 4 साल की स्कीम वाली अग्निपथ योजना आने से दुखी होकर सचिन ने यह कदम उठाया है।